हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वार स्वर्घाट में आबकारी व कराधान विभाग की टीम ने बिना टैक्स चुराए और बिना बिल ले जाए रहे सोने व चांदी के आभूषण पकड़े हैं। विभाग ने मौके पर ही कारोबारी को जुर्माना भी लगाया। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर प्रवेश द्वार स्वर्घाट में आबकारी व कराधान विभाग की टीम ने बिना टैक्स चुराए और बिना बिल ले जा रहे सोने व चांदी के आभूषण पकड़े हैं। विभाग ने मौके पर ही कारोबारी को जुर्माना लगाया। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि सोना व चांदी के कारोबार करने वाले बिना टैक्स भुगतान किए वो बिना बिल के लाखों के जेवरात लेकर बाहरी राज्य से प्रदेश में ला रहा है, जिसके चलते आबकारी कराधान विभाग ने स्वर्घाट के नजदीक नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी पंजाब से हिमाचल की तरफ आ रही एक निजी कार से सोना व चांदी के आभूषण चोरी छुपे ले जा रहे व्यक्ति के पास से आबकारी विभाग की टीम ने स्वर्घाट से पकड़े हैं। ये त्योहारी सीजन की हमारी रूटीन चेकिंग थी, जिसके तहत हम गाड़ियों को चेक कर रहे थे। इसमें हमने निरीक्षण के लिए हरियाणा नंबर की एक गाड़ी, जिसका नंबर HR01AS7754 था, को निरीक्षण के लिए रोका, जिसमें हमें 3 किलो के लगभग आभूषण मिले। इसमें 2.5 किलो चांदी और 0.5 किलो के लगभग सोना था, और इसकी जो कुल कीमत है लगभग 20 लाख के आसपास थी। इसके तहत हमने मौके पर ही और हमारी टीम ने मौके पर ही 1,22,000 के करीब इनको जुर्माना किया है, जो इन्होंने मौके पर ही दे दिया था। तो त्योहारी सीजन के दौरान हमारी दबिश लगातार जारी रहेगी, जिसके तहत हम अपने पूरे वाहनों की चेकिंग पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं।